हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मैं सर आपका प्रकाश सिंह गुप्ता। ये बताइए सर, आज आप सिकरारा थाना क्यों आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लाला बाजार के निवासी हैं जी। आज रात को होलिका दहन के बाद किसी ने हमारी दुकान में, चाइनीज की रेस्टोरेंट दुकान है जी, उसमें किसी अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। कहाँ पे सर आपकी दुकान है? लाला बाजार। अच्छा, लाला बाजार है। इसे आपको जानकारी कब हुई कि वहाँ आग लग गई है? रात को कुछ बच्चे जाग रहे थे, उन्होंने देखा और उसको दौड़ाए तो वो भाग गया, लेकिन उसके पहले हमारी दुकान पे आग लगा दी। अच्छा, आपकी दुकान और आपके घर से कितना दूरी है? हमारा घर भी वही है और दुकान भी वही। अच्छा, तो आपके कोई संज्ञान जानकारी है, कोई आपका विरोधी है कुछ? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ जानकारी नहीं। कभी कोई बहस वहस हुआ होगा कुछ? भाई दुकान है, छोटा मोटा कभी किसी से बहस हुआ हो तो उसकी जानकारी अपने को नहीं है। तो क्या कितने पैसे का नुकसान हुआ है? नुकसान तो अपना दुकान जल गया है पूरा। तब पर भी एक अंदाज? अंदाज तो 10,000 रूपए, 10 से 12,000 रूपए का नुकसान। अच्छा, क्या बेचते थे आप? चाइनीज का दुकान है, रेस्टोरेंट है। मतलब आप वही बेचते थे? रात को आपको सूचना मिली कि आपकी गुंटी में आग लग गई? मंचूरियन राइस है, नूडल्स है जी। तो और उसके बाद जब आग लग गई तो हमको कुछ मतलब बुझाने के बाद हमको जगाए हैं जी, खबर दिए तो हम बाहर आए, देखे तब तक पूरा जल के खत्म। तो रात को आपने 112 नंबर फोन लगाया था? नहीं, रात को 112 पे नहीं लगाया था। रात को हम लोग फिर देख के अपना सामान वामान से बुझा के सो गए। सुबह में 112 फोन लगाया जी। सुबह लगाया, सुबह पुलिस पहुंची थी 112 नंबर? हाँ, 112। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपका हो गया है, हम यहाँ देख लिए हैं, वीडियो बनाए हैं और उसके बाद आप इश्तेहार जो है एक विवेचना लाके वहाँ पे दे दीजिए। मतलब थाना सिकरारा यशो को एक विवेचना आप दे दीजिए जी। थाना यशो से बात हुई, आप क्या कहे, आश्वासन क्या दिए? हमको बोले हैं कि हम उसका जो है विवेचना कर ले, हम उसकी जानकारी करेंगे आगे। मतलब प्रशासन से आप संतुष्ट हैं? जी।